गुड मॉर्निंग, कैसे हैं व्यूअर्स आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं और आपकी दुआओं से हम भी ठीक हैं। मेरी दुआ है आपका भी आज का दिन अच्छा गुजरे और हमारा भी। तो बच्चे हो रहे हैं तैयार स्कूल के लिए। इधर अनमोल जो है वो अपने शूज़ पॉलिश कर रही थी। शूज़ तो नीट थे लेकिन डेली वो ब्रश फिर करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। अनमोल हो गई है तैयार, अभी मैंने छोड़ने जाना है बच्चों को। और इधर लगाई हुई है मशीन, मोटर चल रही है, मोटर की आवाज़ आ रही है। ये इधर मैंने मशीन लगाई हुई है और ये पड़े हुए हैं सारे कपड़े गंदे, तो आज मैंने धोने हैं कपड़े। काम अभी जो है सिर्फ नाश्ता ही हुआ है और बच्चों को जाना है स्कूल छोड़ने, और फिर आके मैं आपको जो है वो दोपहर की जो सारी रूटीन है, काम है, वो आपसे शेयर करूँगी। तो आज जो है वो काफ़ी काम है, तो चलें वापसी पे फिर आपसे बात करते हैं। तो बच्चे मैं छोड़ आई हूँ स्कूल और आते वक्त मैं लेके आई थी आलू, क्योंकि मैंने देखा सब्जियाँ तो अभी आई नहीं इतनी सुबह, तो फिर मैं लेके आई आलू, क्योंकि आलू तो हर मौसम च ही तुहानू पसदे मिलते ने। और बैठे हुए सन जनाब, मैं क्या कि भी आलू लै जाइए। सब्जियाँ सारियाँ पका के खा लिया ने, तो मैं क्या चलो, क्योंकि सब्जी ताज़ी आई भी कोई नहीं सी, आलू फड़े ते फिर मैं ले ही लिया के ए लसन अदरक जड़ा है ना ए मैं वाह सारा पीसिया, ते क्योंकि आलूआं दे विच ज़्यादा इन्हां दी जरूरत होंदी है। ते वेखो जी इहना मैं कुट कटा के रखे है, क्योंकि आज है जी फ्राइडे, छुट्टी हो जाएगी 12 बजे और ए सड़ जानी जिहड़ी गैस जी जे ए जड़ी है ना ये तुर जाती 9:30 बजे। तो फिर हूँ सिलेंडर वाली गैस जी बड़ी महंगी है, तो चलो जिंदे तक है यदि बचत तो बंदा करे, इसलिए फिर मैं ना सालन जड़ा ना जल्दी बना लेनी हाँ ताकि फिर मसला ना हो। बच्चों ने आ जाना 12 बजे, उन्होंने लैन जाना, उन्होंने आने ही रोटी मंगनी है। तो बच्चों टाइम ना रोटी देनी चाहिए है, पले चटनी होए तो पले आलू तो पले दाल। तो गोश वालिया भी सामने दुकाना वेखिया भी बंद सन, हाले नहीं गोश आया सी क्योंकि मैं जल्दी ही तुर गई सा गैस की वजह तो, कुछ टाइम भी नहीं सी इन्ना क्योंकि छुट्टी भी जल्दी होनी सी। तो बच्चों को रोटी टाइम ना देनी चाहिए है ना, ये कि भी बच्चे स्कूलों आन तो मावं अगों बासियां लेंदियां हो तो गलत गल है ना। तो बच्चों को रोटी टाइम ना देनी चाहिए है, भले कुछ भी पकाओ। तो अभी तो साड़ी तो स्पीड लगी है और इसी के भी गैस जी ना बहुत ड्रामे बाजे ड्रामे कर दी। तो मशीन जी मैं नाल मशीन भी लगाई है, दूसरा चक्कर पाया है, एक चक्कर जोड़ा है वो मैं कड़ के तो रखा है। वो हम कपड़े जड़े ने वो सारे जो धुप जाएंगे सब नू कट्ठिया फिर खंगाल लाँगी, उसके बाद फिर जड़ा ना स्पिनर च पा के ड्राई करांगी। सफाई हले मेरी रही क्योंकि मैं गैस के चक्कर च ना रही हाँ, बस वो करन के भी ये गैस ना भज भुज जाए। तो यह सुबह ना जी स्कूलों आंदियां ना एक फैमिली ने मिठाई दी है, मुस्लिम फैमिली, तो उन्होंने मिठाई दी उन्होंने बेटे का, वो सी उन्हें कुरान हिफज किया तो वह कंप्लीट होया सी, तो खुशी से उन्होंने मिठाई जी फिर दी साढ़े हिस्से की सानू है बड़े अच्छे डब्बे पै के है। तो ये हम मैं नाल मिठाई चेक कर लगियाँ खाण लगियाँ, वो बड़ी मज़े दे। अब सारे दिन की रूटीन तुहाडे शेयर करांगे। नखार लिए मैंने खंगाल के नखार के रखे हुए हैं,
एक अंदर है, ये पानी भरा जा रहा है। और ये है, मैंने अभी मशीन का जो पानी है वो चेंज किया है, साफ़ पानी डाला दोबारा से ना, ये टावल डालने के लिए, क्योंकि हम टावल जो हैं वो कपड़ों के साथ नहीं धोते, उनको अलग से ही धोते हैं, तो टावलों की वजह से पानी चेंज किया। इसके बाद जो है ये लाइट कलर की जो बेडशीटें हैं वो डालूँगी, क्योंकि बहुत गंदे पानी में तो वो नहीं धुलती ना, इसलिए पानी चेंज किया टावलों के लिए, और साथ ही ये टावल निकाल के ये डालूँगी। और ये है इस्त्री स्टैंड, टेबल है जो, इसका मैंने कपड़े जो ऊपर थे वो उतार के उनको भी आज धोया है। और सालन जो है वो हमारा बन गया, आलू का सालन शोरबे वाला, और बड़ा मज़े का है वो, मैंने बना कर रखी आप लिए आटा, क्योंकि मैं जब से बच्चे छोड़ के आई हूँ तो तब से लगी हुई हूँ काम करने, तो बर्तन रह गए थे, बर्तन कम ही थे, मैंने कहा चलो आटा गूंद के ना तो फिर धोती हूँ। तो बाकी सफाई जो है मैंने कर ली है कमरे से, कमरे की कुछ बेडशीटें पड़ी हुई हैं वो थोड़ी देर तक करूँगी मैं इसके ऊपर डालूँगी, इसकी उतार के तो वो भी धोने के लिए रखी है, ये साफ़ थी, ये भी तकियों के गिलाफ वगैरह उतारे हैं ये भी धुल रहे हैं। तो अब मैं गूंदूँगी आटा, इसके बाद धोने हैं बर्तन, जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे आपसे बात करते रहेंगे। हमारे सारे धुल गए हैं, सारे मैंने डाले हुए हैं, कुछ मैं ऊपर छत पे डाल के आई हूँ, और इधर बच्चे भी आ गए हैं, खाना मैंने रख दिया है, तो अदान हाथ धोने गए, बच्चे धोने गए हाथ, और अब हम खाने लगे हैं खाना। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आराम भी आ रहा है, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।